हम अपनी सरजमीन पर इत्तेहायत व एहतराम के साथ आजाद के हजरत वाला अपने कीमती खिताब से हम सामईन को महफूज फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीन इस्तफा अम्मा बाद। فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين। محترم حضرات معزز سامعین کرام حاضرین جلسہ اس وقت ہم اور آپ एक बहुत बड़ी हस्ती के तस्करे के लिए उनकी निस्बत से यहाँ जमा हुआ। यूं तो पूरे आलम के अंदर करोड़ों हस्तियाँ जिनके तस्करे जमीन व आसमान में होते रहते, लेकिन इस वक्त जिन हस्ती का तस्किरा हो रहा है, मैं चाहता हूं कि उनके सिलसिले में चंद बातें ऐसी हों जो हमें याद रहे। जिनका ताल्लुक उनकी मोहब्बत से, लिहाजा वैसे तो रात के 11 बजे के बाद जहन काम करना कम कर देता है, लेकिन इन बुजुर्ग की हस्ती में और इन बुजुर्ग की इस हस्ती के तस्करे में उम्मीद है कि वो चीजें याद हो जाए। पहली चीज ये है कि आपका नाम क्या है। आपका नाम बचपन में हसन रखा गया था। सारे लोग हसन नाम से आपको बुलाया करते थे, लेकिन बाद में आपका नाम मुईनुद्दीन रख दिया गया, जिस नाम से आज हम सब लोग उनको पहचानते हैं। आपके वालिद का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन, जिससे मोहब्बत करें उसका नाम अगर मालूम न हो तो फिर कैसी मोहब्बत। कोई शख्स अपनी बीवी से जब 4 बच्चे हो जाएं और उसके बाद बीवी से ये पूछे कि मेरी जान ये बताओ तुम्हारे वालिद का क्या नाम है, तो वो क्या जवाब देगी? ये 4 साल से तुम हमारे साथ क्या झक मार रहे हो? तो जिनकी मोहब्बत हम लोगों के दिलों में बसी हुई है, उनके वालिद का नाम भी याद न रहे तो फिर क्या रहे? तो आपके दो नाम मैंने बताए, बचपन का नाम हसन और बाद का नाम मुईनुद्दीन। आपके वालिद का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन रहिमहुल्लाह, ख्वाजा गयासुद्दीन। आपके दादा का नाम ख्वाजा अहमद हसन रहमतुल्लाह। 3 चीजें तो याद ही रहनी चाहिए, आगे मैं नहीं बढ़ूंगा कि फिर आप कहेंगे कि इतना बोझ डाल दिया रात के 11 बजे। तो 3 नाम तो याद रखिए, आपका नाम मुईनुद्दीन, आपके वालिद का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन और आपके दादा का नाम ख्वाजा अहमद हसन रहमतुल्लाह। आप रहने वाले कहाँ के? हम और आप तो सब ये जानते हैं कि अजमेर के रहने वाले हैं, इसलिए ख्वाजा अजमेरी कहलाते हैं। आपका वतन ईरान, आप मुल्क ईरान के रहने वाले,
वहां पर एक जगह संजर ईरान में, वो आपका वतन है। बचपन से लेकर जवानी तक, शुरू से लेकर आखिर तक आपका वो वतन बाकी रहा जो ईरान में संजर जगह। फिर आपने इल्म हासिल करने के लिए बड़े बड़े सफर किए, बड़े बड़े उलूम हासिल किए, हज किए, असल वतन याद रहेगा इंशाअल्लाह, मुल्क ईरान, जगह का वहां नाम क्या है, संजर। हिंदुस्तान कैसे तशरीफ आउरी हो गई, आप अपने मुरीदीन के साथ हज करने तशरीफ ले गए, बड़ा मजमा आपके साथ मक्का मुकर्रमा में सारे अरकान अदा किए, और अदा करने के बाद कौन ऐसा आशिक है कि जिसने सारे अरकान सिखाए हो, जिसने ईमान सिखाया हो, जिसने सारी दुनिया के अंदर नूर फैलाया हो, चाहे वो 450 किलोमीटर दूर रहता हो, लेकिन बगैर उसकी जियारत के न कोई हाजी वापस आता है और न कोई उमरा करने वाला वापस आता है। लिहाजा आपने भी इरादा किया कि मक्का मुकर्रमा से 450 किलोमीटर दूर सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा के अंदर आराम फरमा हैं, चलकर ज़ियारत की जाए और आपसे शरफ हासिल किया जाए। आप तमाम मुरीदीन के साथ मदीना तैयबा तशरीफ ले आए। मदीना तैयबा की जब गलियां देखी तो सारी हदीसें याद आने लगी कि अबू हुरैरा ने यहां से हदीस नकल की है, हजरत अली ने यहां गली से नकल की है, इस जगह से किसने किसने हदीसें नकल की हैं, और क्या क्या उलूम जो ईरान तक पहुंचे हैं वो इसी चबूतरे से और इसी गलियों से तो पहुंचे हैं। बस इश्क में डूब गए और कहने लगे मदीना छोड़कर नहीं जाऊंगा। आपने वहीं रहने का इरादा कर लिया। सारे मुरीदीन कहने लगे जब आप नहीं जाएंगे तो हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, हम भी आपके साथ नहीं रह जाएंगे। आपने इरादा मुकम्मल कर लिया और अपना सामान खोल दिया और कहा मदीना छोड़कर मैं कहीं जाने वाला हूं। बड़े बड़े अकाबरीन दुनिया के कोने कोने से पहुंचते हैं और मदीना में खो जाते हैं, जिनको वापस आने की हिम्मत नहीं होती। जब आपने वहां पर रहने का इरादा कर लिया और आपने वहां से कहीं वापस जाने का इरादा न किया, तो एक दिन आप सो रहे थे, सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होती है और आप इरशाद फरमाते हैं मोइनुद्दीन तुम यहां क्या कर रहे हो, हिंदुस्तान चले जाओ, मेरे उम्मती भटक रहे, न जाने उम्मती कहां कहां जा रहा है, तुमने सब कुछ हासिल कर लिया है, अब जाकर मेरे उन उम्मतियों की खबर लो जो हिंदुस्तान में भटक रहे हैं। कि ठीक है चला जाऊं, इरादा किया। सुबह सोचा कि पता नहीं हिंदुस्तान है कहां, उस वक्त नेट का जमाना तो था ना, उस वक्त इस तरीके का जमाना तो था ना। कहने लगे कि पता भी सारे जहान के सरताज से ही पूछूंगा, आज रुकता हूं ताकि उस जगह का पता मिल जाए। रवायत में आता है कि आप एक दिन रुक गए और रात में जब फिर सोए तो फिर कहा मोइनुद्दीन तुम गए नहीं, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान है कहां, उसका नक्शा कहां है, वो किस जगह पर वाकई है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं।
तो किताबों में लिखा है प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हिंदुस्तान का नक्शा अता फरमाया कि यहाँ से फला जगह जाओ, फला जगह से फला जगह जाओ, इन पहाड़ियों से गुजरो, इन वादियों से गुजरो और गुजरते गुजरते तुम कहाँ जाओ, पूरा नक्शा प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अता फरमाया। वो नक्शा आपने ले लिया, वो कहा कि ठीक है मैं इस राह पर निकल जाऊंगा, लेकिन फिर सोचने लगे हाय काश मैं आया तो मदीना में था, मैं यहाँ की नूरानियत लेने आया था, मैं इन गलियों में खो जाने के लिए आया था, लेकिन सारे जहान के सरताज ने फरमाया है तो मैं जाऊंगा तो जरूर, हुक्म उदूली तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ तसल्ली तो ले लूं। मुरीदीन ने पूछा कि हजरत आप हिंदुस्तान नहीं चल रहे? कहा कि हाँ चलूंगा, लेकिन जरा कुछ और थोड़ी सी बात रह गई है उसको और मुकम्मल कर लूं और फिर यहाँ से इरादा करूंगा। तीसरी रात फिर आप सोए तो फिर सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और कहा कि मोहिनुद्दीन तुम गए नहीं? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से जुदाई सता रही है, दिल गमगीन है, दिल रो रहा है, यहाँ से जाने को यकीनन तबीयत नहीं कर रही है, यहाँ का नूर मुझे दुनिया में कहाँ मिलेगा, मैं ये दौलत कहां पा पाऊंगा, मुझे तसल्ली अता फरमा दीजिए। तो आपने आपके सीने पर हाथ रखा और उसके बाद फरमाया मोइनुद्दीन चले जाओ, हैं जहां रहोगे वहीं मेरी जियारत तुमको होती रहेगी, जो नूर तुम्हें यहां मिल रहा है जहां रहोगे ये नूर तुम्हें वहां भी मिलेगा, जो फैज तुम्हें यहां मिल रहा है वो फैज वहां भी मिलेगा, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। जो शख्स मेरे तरीके पर चले वो चाहे दुनिया के किसी कोने में रहे वो मेरे बिल्कुल करीब है, और जो मेरे तरीके पर ना रहे वो बगल में यहाँ पर मौजूद रहे वो मुझसे बहुत दूर है। आपने अपने मुरीदीन को लिया और वहां से रवाना, उसी नक्शे के मुताबिक सफर करते हुए हिंदुस्तान तशरीफ लाए। नक्शा अजमेर का मिला था, लिहाजा आप सफर करते हुए उसी जगह पहुंचे जहां आपको पहुंचने का हुक्म दिया गया। यहां मुसलमानों की हुकूमत नहीं, 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 नहीं। ये नहीं कि सारे के सारी हुकूमतें ईमान वालों की हों इसलिए जो है वहां पर भेजा जा रहा, नहीं, वहां कोई भी मुसलमान नजर नहीं आ रहा था, हुकूमतें भी अपनी नहीं थी, राजपूतों की हुकूमत। उस हुकूमत में आप वहां पर पहुंचे, जब अजनबी लोग ये डाली टोपी वाले लोग वहां नजर आए तो कुछ लोगों को खतरा होने लगा कि ये पता नहीं क्या करने आए, ये कौन लोग? आपके पीछे जादूगर लगाए गए, बड़े 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 जादूगरों ने आपके ऊपर जादू किया और उन तमाम जादुओं को प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए नुस्खों से आपने उन सब को दूर रखा। आप जादुओं से बचने के नुस्खे बता के गए, तीनों कुल तीन तीन मर्तबा सुबह शाम पढ़ा करो। मंजिल नाम से छोटी सी किताब छप गई है, 32-33 आयतें कुरान पाक की हैं। सुबह पढ़ लो शाम तक कोई जादू नहीं कर सकता, शाम पढ़ लो सुबह तक कोई जादू असर नहीं कर सकता। ये प्यारे हबीब का बताया हुआ सब कुछ हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम महरूम। ख्वाजा साहब ने उन्हीं चीजों को इख्तियार किया और इख्तियार करने के बाद सारे जादू फेल हो गए, बड़े से बड़े जादू किए गए, कोई जादू आप पर कारामद नहीं हुआ। पूरे तो मैं जिक्र नहीं करूंगा, थोड़े वक्त में क्या क्या हुआ। मुख्तसर ये कि अल्लाह तबारक ताला को आपसे काम लेना था और सारे जहान के सरताज, सारे जहान के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हिंदुस्तान की फिक्र थी कि मेरे उम्मती कहीं जहन्नम में न चले, मेरे उम्मती कहीं जहन्नम में न चले। अल्लाह ने कुरान में गवाही दी है, लअल्लक बाखिउन नफ्सक अल्ला यकूनू मुमिनीन।
प्यारे हबीब को उम्मत से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि आप चाहते हैं कि मैं अपनी जान उन पर गंवा दूं, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूं, मुझे ईमान अगर मैं जान देने की नौबत आ जाए तो भी मैं ईमान लोग ले आए उस पर अपनी जान देने को भी तैयार। ये कुरान गवाही दे रहा है अल्लाह। तो ख्वाजा साहब के वो ताल्लुक जो सारे जहान के सरदार से, सारे जहान के इमाम से, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं कि मैं आया हूँ हिंदुस्तान में, ए अल्लाह पूरी दुनिया में ईमान फैला दे, हिंदुस्तान में हर शख्स ईमान ले आए, चाहे मुझे जान देनी पड़ जाए मैं उसके लिए तैयार हूँ। इस मेहनत के साथ आपने जब कोशिश की तो अल्लाह तबारक तआला ने आपको ये करामत अता फरमाई कि जिस वक्त आप अजान देने खड़े होंगे, जिसके के कान में ये आवाज पड़ जाएगी वो ईमान ले आएगा। ये करामत आपकी बहुत बड़ी करामत है। लिहाजा आपने अजमेर के अंदर ये इरादा फरमा लिया कि मैं यहाँ सिर्फ अजान दूंगा। नमाज अपने शागिर्द से पढ़वाते थे और अजान ऊंची जगह पर खड़े होकर खुद देते थे। क्यों? इसलिए कि अजान नारे तकबीर है। अजान क्या है? जब आदमी मस्त होता है, खुश होता है, जोश में आता है तो नारे तकबीर लगाता है, नारे तकबीर अल्लाह। अल्लाह ने सारे जहान के सरताज के आने की खुशी में और सारी दुनिया के अंदर इस खुशी को बाकी रखने के लिए ये नारे तकबीर अता फरमाया कि जिसको एक सेकंड के लिए भी खामोश नहीं किया जा सकता है। पूरी दुनिया में एक सेकंड ऐसा नहीं जिसमें ये नारे तकबीर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर चार चार मरतबा अजान में न दोहराया जाए, ये नारे तकबीर। लिहाजा ख्वाजा साहब ने कहा बस ये नारा मैं लगाऊंगा, मैं मदीने से भेजा गया हूँ ये नारा लगाने के लिए, लिहाजा ये नारा मेरा लगेगा और गली कूचों में अल्लाह इसको पहुंचाएगा। पूरी दुनिया का निजाम अल्लाह ने ऐसा बनाया है, सूरज निकलता है, यहाँ पर निकला 5:01 पर, यहाँ अजान का वक्त हुआ, यहाँ अजान खत्म हुई, यहाँ ऊपर सूरज उठा 5:02 हो गया, दूसरी जगह की अजान शुरू हो गई, फिर वहां से सूरज और ऊपर उठा, तीसरी जगह का वक्त शुरू हो गया, वहां अजान अल्लाह अकबर शुरू हो गई। ये एक सिलसिला है पूरी दुनिया के अंदर और ये नारा 24 घंटे पूरे आलम में गूंजता है, पूरी दुनिया में गूंजता है, जमीन और आसमान के दरमियान गूंजता है। लिहाजा ख्वाजा साहब ने इसी नारे को इख्तियार किया और आपने ये नारा अजमेर शरीफ से लगाया। लिहाजा जिसके कान में आवाज पहुंच जाती थी वो कत्ल करने से तौबा कर लेता था, जिना करने से तौबा कर लेता था, लोगों का माल दाबने से तौबा कर लेता था, लोगों को सताने से तौबा कर लेता था, लोगों को परेशान करने से तौबा कर लेता था और सीधा ख्वाजा साहब के पास आ जाया करता था। ये अल्लाह ने करामत अता फरमाई थी हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को। ये करामत की वजह से आपके हर हर इस नारे पर लोगों ने चिल्ला चिल्ला के कलमे पढ़े। क्या शानदार नारा, आज भी ये नारा मौजूद है लेकिन हमारे तो दाएं कान से निकलता है और बाएं कान से बाहर चला जाता है, उसका असर हमारे ऊपर नहीं होता है। लेकिन आप और करें, मैं बचपने में हरदोई की गली में से गुजर रहा था, पढ़ने के जमाने में एक घर के सामने से गुजर रहा था, वहां कथा हो रही थी। जब मैं उस घर के सामने से गुजरा उस वक्त अचानक एक उस पास वाली मस्जिद में अजान शुरू हुई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो जिस घर में कथा हो रही थी उसने ये कहा कि बेटों से अपने के माइक का तार निकाल दो। ये मैं कानों की सुनी बता रहा हूँ, आंखों की देख, माइक का तार निकाल। घर वालों ने पूछा क्यों? कहने लगे अजान हो रही है। उसने कहा अजान हो रही है, जब ये अजान हो जाए तब फिर माइक का तार जोड़ देना, अभी तार को निकाल दो, माइक रोक दो, कथा चलती रहेगी लेकिन अजान की आवाज आ रही है, आवाज से आवाज टकराना हमारे धर्म में नहीं। क्या चीज थी ये मैं आंखों देखी चीज बता रहा।
ये वो नारा है, हर शख्स दिल से मोहब्बत करता है। अगर हम इससे मोहब्बत करेंगे तो सारी दुनिया मोहब्बत करेगी, और अगर हम इसको दिल से निकाल लेंगे तो सारी दुनिया इसको निकाल लेगी। ये नारा है जो पूरी दुनिया में गूंजता है। हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, पांचों वक्त की अजान खुद दिया। एक मर्तबा बड़े बड़े चार लोग जो अपने धर्म गुरु थे, उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आवाज सुने और कलमा पढ़ ले? हमें यकीन नहीं आता, कौन है चल के हम देखते हैं, हम उसे निपटेंगे। चार लोग गुरु चले और आने के बाद हजरत ख्वाजा साहब सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे अजान देने के लिए, और दीवारों से भी ऊपर आए थे। पहले ऊंची जगह बनाई जाती थी अजान देने, अब तो माइक का दौर है, आप सीढ़ियों से चढ़ रहे, और चलते चलते जब दीवारों से ऊपर आ गए, वो चारों लोग सामने से आ रहे थे और निगाहों से निगाहें मिल गई हजरत ख्वाजा साहब से। आपने उनको देखा, इन्होंने इनको देखा, और जैसे ही निगाहों से निगाहें मिली, कहने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह। ख्वाजा साहब ने कहा, अभी तो अजान शुरू भी नहीं हुई, अभी कैसे पढ़ लिया तुमने, अभी तो अजान शुरू भी नहीं हुई है, तुम क्या सोच के आए थे देखेंगे कौन सी वो अजान है जो हम पर असर कर सकती है? फरमाया, अभी तो अजान शुरू भी नहीं। 90 लाख लोगों ने इस तरीके से कलमा पढ़ा हिंदुस्तान के अंदर, अजमेर शरीफ के अंदर 350 मस्जिदें बनाई जा चुकी थी, बड़ी बड़ी, और वो भी कम पढ़ने लगी, 350 वो भी कम पड़ गई थी। इतना जम में खफीर, आपकी उस करामत की वजह से जो अल्लाह के हबीब ने आपको यहाँ भेजा था और उस कनेक्शन को जोड़ रखा था, और आपका ये आलम था कि जब आप आंखें बंद करते थे और अपने दिल की तरफ आंख बंद करके देखते थे तो अल्लाह के हबीब की जियारत हो जाया करता था। जो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया था, जाओ चले जाओ मुइनुद्दीन, चाहे कितनी दूर भी चले जाओ, अल्लाह ज़ियारत को बाकी रखेगा, ये बात बाकी रहेगी, तुमसे खत्म नहीं होने पाएगी। इतनी बड़ी करामत किया इस ओहदे पर आते, क्योंकि आपने पहचान लिया था कि सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब दुनिया में कोई बच्चा आए और जैसे आए वैसे ही उसको नहला करके नारे तकबीर सुना दो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, पैदा होते ही कान में आवाज पहुंचाई जाए। ख्वाजा साहब ने कहा, जो प्यारे हबीब ने पैदा होते ही किया है, इसमें वो एटम बम है, इसमें वो ताकत है कि इसी के जरिए से पूरी दुनिया अल्लाह को पहचान लेगी, इससे बड़ा कोई और जुमला लाया नहीं जा सकता है। जो पैदा होते ही बच्चे को सुनाने का हुक्म दिया गया, क्या अजान है, हमने इसको पहचाना ना। दूसरा नारा है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, पहला नारा तकबीर होता है और दूसरा नारा रिसालत का होता है। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत क्या है, अजान में सिखाया गया नारे रिसालत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये नारे रिसालत है। जब तक कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहेगा वो हरगिज कामयाब नहीं हो सकता, चाहे वो ला इलाहा इल्लल्लाह दिन भर रट रहा हो, ये दूसरा नारा भी उसे लगाना पड़ेगा, बगैर इस दूसरे नारे के पहला नारा कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर के साथ उसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कहना है, ये अजान में सिखाया जा रहा है। ख्वाजा साहब ने इसी को इख्तियार किया, और जब आप ये नारा लगाते थे लोग कलमा पढ़ना शुरू कर दिया करते थे। यहाँ तलवार से ईमान नहीं फैला है, यहाँ इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, इन प्यारे प्यारे जुमलों से फैला है, इन प्यारे प्यारे जुमलों से। इसीलिए पूरी उम्मत से फरमाया, सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए लोगों, जिस वक्त ये मौज़िन अकेला खड़ा होकर चिल्ला रहा हो और ये नारा लगा रहा हो, तो मेरा उम्मती वो होगा जो इस नारे के साथ खुद भी नारा लगाएगा।
और जो इस नारे के साथ नारा नहीं लगाएगा वो मेरा मोहब्बत करने वाला नहीं। इसीलिए हुक्म दिया गया जहां मौज़िन कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हर बच्चा हर जवान हर बूढ़ा दुकान पे बैठा तिजारत पर लगा खेती करता सड़क पर चलता, जब उसके कान में आए अल्लाहु अकबर वो भी जुबान से कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब वो मौज़िन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हर हर शख्स कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब वो मौज़िन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो हर हर बच्चा जवान बूढ़ा सब कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस नारे से हमको महरूम कर दिया गया। किसी ने कह दिया कि जब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा जाए सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लो काम चल जाए, काम नहीं चलेगा। जब कोई पुकार रहा है नारे रिसालत तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना होगा तब नारा पूरा होगा। अगर कोई कहे नारे रिसालत और हम कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नारा नहीं है। मौज़िन कह रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हर हर उम्मती को कहना है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक पुकारने वाले तू अकेला नहीं है, मैं भी उन्हीं को पुकारता हूँ। ए मोहब्बत करने वाले तू अकेला नहीं है, मैं भी उन्हीं से मोहब्बत करता हूँ। ए कहने वाले तू अकेला नहीं है, हमारा घर का हर फर्द उनका नारा लेने वाला और उनका नाम लेने वाला है। सबको गवाही देनी होगी अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ख्वाजा साहब ने इसको पेशे को इख्तियार किया कि मैं सिर्फ अजान दूंगा और अल्लाह से भीख मांग ली, सबको तूने करामत दी, मुझे इसी में करामत दे दे, यही करामत अता फरमा दे, मैं उन जुमलों को पुकारूं जो दुनिया में पैदा होने पर पहले नंबर पर प्यारे हबीब ने कान में पुकारने का हुक्म दिया है और जिसको 24 घंटे 1 सेकंड के लिए अल्लाह ने रोका नहीं है, इसी में सब कुछ है। ए अल्लाह तू ऐसी करामत दे कि जिस वक्त मैं नारा लगाऊं सारी दुनिया मेरे साथ नारा लगा लगा। 90,000 लोगों ने इस नारे को कबूल किया और सब ने आपके साथ नारा लगा। मैं अभी गाजियाबाद गया था कुछ अरसा पहले, तो वहां पर थोड़े से मुसलमानों के घर थे और वहां पर एक छोटी सी मस्जिद नजर आई। मैंने कहा यहाँ आप थोड़े लोग हो, आजकल बहुत से लोग नफरतें डालना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, मोहब्बतें मिटाना चाहते हैं। मैंने कहा यहाँ आप लोग सुकून से, कोई परेशानी तो नहीं? कि हमें कोई परेशानी नहीं, अगर आप रात में यहाँ रुकें तो हम आपको दिखाएं। मैंने कहा मुझे क्या दिखाओगे, मुझे तो जल्दी ही जाना, मुझे ये बताओ दिखाओगे क्या? कहने लगे हम लोग जब सुबह उठते हैं तो हमारे मोहल्ले के ये मोतनी भाई, ये सब गैर मुस्लिमीन, ये सब टहल करके वापस आ रहे होते हैं। जब हम उठकर मस्जिद की तरफ जा रहे हैं ये टहल के वापस आ रहे हैं। हमें वो टहलने का वक्त दिया गया था, हमने बोला हम पड़े सो रहे कि ये टहल करके वापस आ रहे थे। हम जब मस्जिद की तरफ जाने लगे तो हमने देखा अपने दरवाजों पर ये लोग खड़े हुए। हमने कहा कि हुजूर कोई बात हो बताइए, कोई तकलीफ हो तो हमें बताइए, आप यहाँ खड़े क्यों हैं, घर के अंदर क्यों नहीं जाते हैं, कोई बात हो कोई बात तस्करा कीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, फिर खड़े क्यों हैं? तो यहाँ मोहल्ले के लोग हमसे ये कहते हैं कि जब हम टहल करके वापस आते हैं तो जब तक इस मस्जिद की अजान को सुन नहीं लेते हैं हम अपने घरों में दाखिल नहीं होते। आप गौर करिए, इस जमाने की बात कर रहा हूँ, ये पुराने जमाने की बातें नहीं कर रहा हूँ। ये वो सबक है जो ख्वाजा साहब हिंदुस्तान में लेकर के आए और सारी दुनिया को जिससे तारुफ कराया, हमने ख्वाजा साहब को भी छोड़ा और इन नारों को भी छोड़ा। हमने न पहचाना कि ख्वाजा साहब करामत कौन सी लेके आया, किस करामत से ये दुनिया में इंकलाब बरपा हुआ है, हिंदुस्तान में ये गुस्साए घर में इतने लोग बैठे हुए क्यों नजर आ रहे हैं, ये उनकी करामत अजान के जरिए से जाहिर है। तो कहते हैं हमने इन लोगों से पूछा कि तुम्हें अजान अरबी में है तुम्हें क्या समझ में आती है? अरे जिस वक्त ये होती है अंदर शांति मिलती है, शांति जो चाहता है उसे शांति मिलती है, जो नहीं चाहता है पड़ा सोता रहता है उसके ऊपर से शांति निकल जाती है। शांति हमारे ऊपर से निकल गई, आज हमें इसको शांति नहीं मिल रही। जरा सोचो ख्वाजा साहब से रिश्ता कैसा है, प्यारे हबीब का कौन सा सबक मदीना तैयबा से लेके वो यहाँ आए और सारी उम्मत को पढ़ाया, पूरे हिंदुस्तान को पढ़ाया, लेकिन हम उसी करामत से और उसी नुस्खे से दूर हो गए, हमें पता ही नहीं इसमें हो क्या रहा।
ये नारा कभी भी वार्ड मत करना, इसके जरिए से कभी कानों को हटाना मत, हमारे कानों में लीड़े हैं, हमने इन आवाजों को सुनना ही छोड़ दिया। शांति कहां से मिलेगी, कहां से आएगी शांति? कोई अजान का नफरत करने वाला नहीं है, नफरतें हमने दिलाई हैं, नफरत वो नहीं कर रहे हैं। अजान से सब मोहब्बत कर रहे हैं, पूरी दुनिया मोहब्बत कर रही है, हर एक मोहब्बत कर रहा है, नफरत हमने दिलाई है। जब हम सुनने को तैयार नहीं, हमने बताया नहीं, तो कोई क्या जाने इसमें क्या है, वो कहां से इस चीज को हासिल कर सकते हैं। हमने दूर किया है लोगों को एक मर्तबा, लिहाजा इंशाल्लाह सब लोग अजान का जवाब दिया करेंगे ना। हाँ इंशाल्लाह, इसको छोड़िएगा मत, इसी के जरिए से ख्वाजा साहब ने पूरे हिंदुस्तान में इंकलाब बर्पा किया। इस अजान को दोहराया गया, इस पर कान, अब बहुत सी आवाजें आ रही होती हैं, सबकी नहीं, जिस मस्जिद जो करीब आपके मस्जिद है, जिसमें आप नमाज पढ़ते हैं, उस मस्जिद की आवाज को आपको दोहराना। वैसे तो चारों तरफ बहुत सी आवाजें आती हैं, जिसमें आप नमाज पढ़ते हैं, उस आवाज को आपको दोहराना है। ये है असल, जो दिल में आपके ईमान दाखिल हो जाएगा, अंदर तक असर करेगा। ऐसा प्यारा जुमला है, ऐसे प्यारे नारे हैं जो अल्लाह ने आसमान से उतारे। एक मर्तबा ख्वाजा साहब ने खाना पीना छोड़ दिया, न खा रहे हैं न पी रहे हैं। एक दिन गुजर गया, सारे मुरीदीन ने कहा जब ख्वाजा साहब नहीं खा रहे हैं तो हम कहां से खाएं, उन्होंने भी नहीं खाया। दूसरा दिन गुजर गया, ना आपने खाया ना पिया। तीसरा दिन गुजर गया, ना आपने खाया ना पिया। तीन दिन गुजर गए, सारे लोग भूख प्यास से तड़पने लगे। वो कैफियत किसके पास कहां हो, जो ख्वाजा साहब का मकाम हासिल था। लोग प्यास और भूख से तड़पने लगे, तीन दिन हो गए हैं, न किसी ने खाया है न पिया है। अगर ख्वाजा साहब खा लें तो हम भी खा लें, अगर आप पी लें तो हम भी पी लें। ख्वाजा साहब का खाना क्या था? आप नमक के अंदर पानी डाल लेते थे, सूखी रोटी उसमें डाल देते थे। जब वो नमक के अंदर पानी में रोटी मुलायम हो जाती थी, खा लिया करते थे। ये आपका खाना था। आप गौर करिए, कमी नहीं थी। ईरान के अंदर आप बहुत बड़े मालदार और जमींदार थे, बागात थे, जमीनें थी, सब किसके लिए छोड़ा? उम्मत के लिए, प्यारे हबीब के छोड़ा। अपना ईरान छोड़कर यहाँ आकर सूखी रोटियां खा रहे हैं। लोग ईमान लिया, लोग कलमा पढ़ लें, लोग मुत्तहिद हो जाएं, लोग इत्तेफाक कर लें, आपस में लड़ाई छोड़ दें, झगड़े छोड़ दें, मोहब्बतें करने वाले बन जाएं। सब कुछ छोड़कर नमक के पानी में रोटी डाल दिया। तीन दिन हो गया, वो भी नहीं खाया, वो भी नहीं पिया। ख्वाजा अबू लैस आपके बहुत ही खास मुरीद थे, वो तशरीफ लाए, कहने ख्वाजा साहब लोग मर जाएं, लोग भूखे प्यासे मर जाए। क्यों? कहा जब आपको खाता नहीं देख रहे हैं तो लोग भी नहीं खा रहे हैं, आपको पीता नहीं देख रहे हैं लोग भी नहीं पी रहे हैं, खुदा के वास्ते कुछ खा लीजिए ताकि ये सब लोग भी कुछ खा लें, इनकी जाने बच। तो आप रोने, आप रोने, आपने फरमाया मैं कैसे खाऊं, मैं कैसे खाऊं? बोले क्या हो गया हजरत, कुछ तो बताइए कि मैं कैसे पीऊं, क्या हो गया हजरत, कुछ तो बताइए। आप पर उम्मत के गम में कभी कभी गशी तारी हो जाती है, बेहोशी का सा आलम हो जाता है। आप वुजू फरमा रहे थे, कुछ गशी का सा आलम था, उसमें आपने हाथों की उंगलियों में खिलाल नहीं किया, खिलाल कुर्ब इतना है अल्लाह के हबीब से कि अल्लाह के हबीब ने कह दिया था चले जाओ हिंदुस्तान, हमारा तुम्हारा कुर्ब बाकी रहेगा, अल्लाह ने इसका फैसला कर दिया है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। जैसे ही खिलाल नहीं किया, आवाज कानों में आती है सारे जहान के सरताज की, सारे जहान के इमाम की, मोइनुद्दीन ये कैसा वजू है, ये कैसा वजू है, क्या तुम्हें मेरा वजू नहीं मालूम? बस सुनना था, घबरा गए कि खिलाल एक सुन्नत छूट गई है, आवाज कानों में आया। कहने लगे इस गम के अंदर मैं खाना नहीं खा रहा हूं, मैं पानी नहीं पी रहा हूं, कि हाय अफसोस मुझसे ये सुन्नत छूटी तो कैसे छूटी, ये सुन्नत मुझसे छूटी कि कैसे छूटी, प्यारे हबीब को तकलीफ पहुंची है, इसलिए न मैं खा सकता हूं न पी सकता हूं, ये लुकमा हलक से कैसे उतरेगा, जबकि अल्लाह के हबीब मुझसे नाराज।
पाजी किताबों में लिखा है 100-100 रकातें रोजाना पढ़ रहे थे, भूखे प्यासे रहकर 100-100 रकातें पढ़ रहे थे कि अल्लाह प्यारे हबीब को राजी कर दे। जैसे ही ये जुमला निकला कि मैं कैसे खाऊं, मेरे हबीब मुझसे नाराज हैं, एक सुन्नत के छूटने पर मेरे कानों में आवाज आई है, फौरन आवाज आई, ए मोइनुद्दीन तुमसे कौन नाराज है, सारे जान के सरताज तुझसे खुश हैं और ऐसे खुश हैं तुझसे कभी ना खुश ना होंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है मोइनुद्दीन। तब आपने सज्दे शुक्र अदा किया और सज्दे शुक्र अदा करने के बाद मंगाया और वही पानी, वही सूखी रोटी, वही नमक का पानी खाया, तब सारे मुरीदीन ने खाया, तब जाकर के सबकी जान में जान आई, ये वुजू क्या है, प्यारे हबीब से इश्क का नमूना है। कहां गए वुजू करने वाले, कहां गए अजान सुनने वाले, कहां गए वो लोग जो ख्वाजा साहब से मोहब्बत का दावा करें और उनके दिलों में ये अजान वुजू ना आए। वो इश्क कैसा है, वो मोहब्बत कैसी है, यही सिखाने के लिए तो अल्लाह के हबीब ने मदीने से उन्हें यहाँ भेजा था, और फिर भी हम न सीखें, कितना दर्द है अल्लाह के हबीब को हमसे, इन हिंदुस्तान वालों से, यहाँ के रहने वालों से। आप वहाँ बेचैन हैं और आप गमगीन हैं कि हिंदुस्तान का मेरा उम्मती भटक रहा है, जाओ मोइनुद्दीन उनको समझा दो, जाओ मोइनुद्दीन उनको बता दो, आप ये अजान लाए, आप ये वुजू लाए, आप ये नमाज लाए, और हम उनसे मोहब्बत करने के बावजूद इन सब उठा के ताक पर। मेरे प्यारो, देख लो कि कुरान पाक की हर सूरत के ऊपर मक्की मदनी, मक्की मदनी, हर सूरत के ऊपर या तो मक्की लिखा होगा या मदनी लिखा होगा। हालांकि कुरान पाक अरफात में भी नाजिल हुआ है, बदर में भी नाजिल हुआ है, ओहद में भी नाजिल हुआ है, मौता में भी नाजिल हुआ है, कहां कहां नाजिल हुआ है, लेकिन कहीं का नाम नहीं है, सिर्फ मक्की मदनी, मक्का मदीना, क्योंकि प्यारे हबीब के यही दो वतन हैं। सारी दुनिया के नाम मिट जाएंगे, ये दो नाम बाकी रहेंगे। प्यारे हबीब की मोहब्बत में ईरान नाम से कोई ख्वाजा साहब को नहीं पहचानता, आपने वतन मिटा दिया उस मदीने के सबक में। लेकिन अफसोस, हमने मक्का मदीना छोड़कर देवबंदो बरेली दो नामों को रट लिया है, मक्का और मदीना हमसे छीन लिया गया है, और हम आपस में इत्तेहाद को खत्म कर चुके हैं, मोहब्बतें मिट चुकी हैं, लड़ाइयां हैं, एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते। क्या ख्वाजा साहब इसीलिए आए थे, अल्लाह के हबीब ने इसीलिए भेजा था, सारे जहान के सरताज ने इसीलिए भेजा था। प्यारो, कुरान की हर सूरत पर जो नाम लिखा है उसे रटो, इधर उधर के नामों को मिटा दो, जैसे ख्वाजा साहब ने अपने मुल्क के नाम को मिटा दिया। कोई नहीं कहता है ख्वाजा मोइनुद्दीन ईरानी, कोई नहीं कहता है, वो तो मक्का और मदीना का सबक लाए, वही पढ़ाया, वही सिखाया। काश के अल्लाह इस हकीकत को समझ के हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पहले अल्लाह की तारीफ कि उस अल्लाह ने ख्वाजा साहब जैसे हमें हिंदुस्तान में अता फरमाए, हजारों औलिया अता फरमाए, जिसने हमें सब कुछ ईमान दिया, उसकी तारीफ पहले की जाएगी जिससे मांगना है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद प्यारे हबीब पर दुरूद पाक पढ़ा जाएगा, जिसको जो दुरूद याद है वो पढ़े, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन। उसके बाद दुआ के लिए दोनों हाथ इस तरह उठाए जाएंगे कि हथेलियां आसमान की तरफ हों, चेहरे की तरफ और सीने की तरफ न हो, दोनों हाथों को मिलाया नहीं जाएगा, थोड़ा सा अलग रखा जाएगा। बड़ी चीज उठानी होती है हाथ अलग किया जाता है, छोटी चीज उठानी होती है हाथ मिला लिया जाता है। क्या सुन्नतें छोटी हैं, क्या प्यारे हबीब छोटे हैं, क्या कुरान मुकद्दस छोटा है, या औलिया किराम छोटे हैं, नहीं नहीं, बड़े बड़े हैं। तो हाथ की शक्ल भी वही बनाई जाएगी कि हम बड़ी बड़ी चीजों की भीख अल्लाह आपसे मांग रहे हैं। इलाहल आलमीन हमारी तमाम खताओं को माफ फरमा, तमाम लफ्जशों को माफ फरमा, हर किस्म की छोटी बड़ी खताओं को दरगुजर फरमा, हर किस्म की खताओं को माफ फरमा। इलाहल आलमीन हमने रात दिन तेरे वलियों की एक एक चीजों को छोड़ा है,
तेरे वलियों के लाए हुए तरीकों को घर से निकाल दिया है। तेरे हबीब तो हमारे लिए तड़प रहे हैं और हमने अपने कारोबारों में अपने आप को खपा रखा है। हमने प्यारे हबीब का नाम लेना भी गवारा नहीं किया है। चारों तरफ अजानों में नारे लग रहे हैं और हमें उस नारों से कोई मतलब नहीं रह गया है। प्यारे हबीब की रिसालत का नारा लग रहा है, हमारे कानों में लीड़ें लग रही हैं। इलाहे आलमीन इस जुर्म अजीम को माफ फरमा दीजिए, इस जुर्म अजीम को माफ फरमा दीजिए। हम सबको इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमा दीजिए। प्यारे हबीब की एक एक सुन्नत पर मर मिटना नसीब फरमा दीजिए। एक एक सुन्नत से इश्क अता फरमा दीजिए। अजान की हकीकत समझना नसीब फरमा दीजिए। वुजू की हकीकत समझना नसीब फरमा दीजिए। ये नमाज जो तेरे हबीब का नाम लिखने के लिए बनाई गई है, इलाहल आलमीन वो भी हम नहीं पहचानते हैं। इलाहल आलमीन इस नमाज में प्यारे हबीब का नाम जिस तरह आपने लिखवाया है, सारी जिंदगी लिखने की तौफीक नसीब फरमाइए। इलाहल आलमीन हमारे जमा होने को कबूल फरमाइए, बैठने को कबूल फरमाइए। जिन लोगों ने मेहनत की है, कोशिश की है, जिन लोगों ने रात दिन एक किए हैं, जिन लोगों ने लाकर ईमान वालों को ख्वाजा साहब का तस्करा करने वालों को ला बिठाला है, इलाहल आलमीन इन सबके जमा होने को, इनकी कोशिशों को कबूल फरमा लीजिए, इनकी कोशिशों को कबूल फरमा लीजिए। औलियाए किराम से मोहब्बत अता फरमाइए, औलियाए किराम की अजमतें अता फरमाइए, औलियाए किराम से इलाहल आलमीन इश्क करना नसीब फरमाइए। इलाहल आलमीन खास तौर से ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जिनके जरिए से आपने हिंदुस्तान को चमका दिया, इलाहल आलमीन उनकी कब्रों के अंदर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाइए, करवटों करवटों उन पर रहमतें नाजिल फरमाइए, जन्नत के और आला मकाम अता फरमाइए। हर हर वली को इलाहल आलमीन और मकामात अता फरमाइए, उनको जन्नतुल फिरदौस के ऊंचे आला मकामात तो पहुंचा दीजिए। इलाहल आलमीन हम सब लोगों को भी उनके तरीके पर मनमटना नसीब फरमाइए, उस पर अमल करना नसीब फरमाइए। हमसे जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है या लिखा है, या उनका हम पर हक है, या जो हमसे उम्मीद रखते हैं, कहना चाहते हैं मगर उनको मौका नहीं मिला है, इलाही सबके जायज मकासद को पूरा फरमा दीजिए, जायज परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। जो दुनिया से जा चुके हैं सबको माफ कर दीजिए, सबकी मगफरत फरमा दीजिए, सबको माफ कर दीजिए, सब पर करम फरमा दीजिए। इलाहल आलमीन पूरे दुनिया के इंसानों को आपस में इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ रहना नसीब फरमाइए। जगह जगह लड़ाइयां पैदा की जा रही हैं, दूरियां पैदा की जा रही हैं, इलाही सबको अकल नसीब फरमाइए, सबको फहम नसीब फरमाइए। इस मुल्क को तरक्की अता फरमाइए, इस मुल्क में पूरी दुनिया में अमन अता फरमाइए, सुकून अता फरमाइए, बेचैनी बेसुकूनी को खत्म फरमाइए। इलाहल आलमीन बेचैनी बेसुकूनी को खत्म फरमाइए। इलाहल आलमीन प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए जितनी अच्छी अच्छी चीजें मांगी हैं सब हमको अता फरमा दीजिए, और जितनी बुरी बुरी चीजों से पनाहें मांगी हैं उनसे पनाह नसीब फरमा दीजिए, उनसे पनाह नसीब फरमा दीजिए। या करीम, या करीम, ये हाथ जो हमने फैलाए हैं ये आप ही के दिए हुए हैं, ये जुबान जो हम हिला रहे हैं ये आप ही की दी हुई है, ये गले जिससे आवाज निकाल रहे हैं आप ही का दिया हुआ है। अगर हम आपको ना पुकारे तो किसको पुकारे? आप जिसको देना चाहें उसे कोई रोक नहीं सकता, और आप जिसे रोकते उसे कोई दे नहीं सकता। या करीम हम सबको अपने अपने वक्त पर कलमा नसीब फरमा दीजिए, मौत के वक्त कलमा नसीब फरमा दीजिए, मौत के वक्त कुरान पाक की तिलावत नसीब फरमा दीजिए। इलाहल आलमीन मैदान हश्र में जब लोग पुलसराज से कट कट करके जहन्नम में गिर रहे हैं, इलाही उस दिन कुरान पाक की तिलावत करते हुए सबका बेड़ा पार फरमा दीजिए, सबका बेड़ा पार फरमा दीजिए, पूरी उम्मत का बेड़ा पार फरमा दीजिए, जालिमीन को हिदायत दे दीजिए, मजलूमीन की नुसरत और मदद फरमा दीजिए। हमारी इन दुआओं को प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका तोफल में कबूल फरमा दीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन, आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।